सदर थाना के रामफसा टोला में बदमाशों के द्वारा अकेली महिला से रुपया छीनने का किया प्रयास, नहीं देने पर महिला के साथ किया छेड़खानी। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामफसा टोला वार्ड 12 में कुछ बदमाशों के द्वारा अकेली घर में रह रही एक महिला से भाई के द्वारा दिया गया 40,000 रुपया छीनने का किया प्रयास। जब महिला रुपया छीनने नहीं दिया तो बदमाशों ने उस महिला के साथ गलत हरकत और छेड़खानी किया है। जब उस महिला ने हो हल्ला करना शुरू किया तो सभी बदमाश उस महिला के साथ में मारपीट कर फरार हो गए, जिस मारपीट में वह महिला जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती करवाया गया है। जख्मी महिला का काल्पनिक नाम रवीना खातून बताया जा रहा है। इस मामले में जख्मी महिला ने बताया कि मुझे अकेले देखकर मोहम्मद मोसो, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद सुभान, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद अंसारुल मेरे घर में घुसकर पहले रुपया छीनने का प्रयास किया, फिर मेरे साथ गलत काम करने का प्रयास किया। जब मैं हल्ला किया तो वह सभी मेरे साथ में मारपीट कर भाग गए। सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती है, जहाँ मेरा इलाज चल रहा है। 40,000 रुपया रहे हमारे भाई दर पर हमारा घर के लिए, वो अले हमारे बगले के छे गा, वो अले हमारा हमारे आदमी के डाल दिया जेल में, तो वो अले जबरदस्ती पैसा छीने की कोशिश कर लगे, छाती और पर हाथ दर्द के। तो क्या हुआ? वही छीन छपट में हम मोबाइल से कॉल कर रहे हैं पुलिस का थाना, मोबाइल और छीन छीन के मारपीट करे ले भी गए। आपके साथ में मारपीट किया? हाँ, छेड़खानी भी किया। छेड़खानी भी किया? कहाँ भर्ती हैं आप?